तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी नए संसद भवन को ताबूत बताती है और इसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी को जवाब देते हैं और तेजस्वी के विरोध में खड़े हो जाते हैं अब ओवैसी का तेजस्वी का विरोध करना अब क्यों है सबसे पहले राजनीतिक तौर पर समझिए जो नीतीश कुमार हैं जो तेजस्वी यादव हैं वो विपक्षी एकजुटता के नाम पर हर नेता के पास जा रहे हैं लेकिन ओवैसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं अब इनको डर क्या है तो इनको डर इस बात का है कि अगर ओवैसी को इन्होंने सहारा दिया तो मुसलमान अपने आप जो ओवैसी की पार्टी है उसको अपनी पार्टी मान लेगी और ओवैसी को अपना नेता मान लेगी और तेजस्वी यादव हो नीतीश कुमार हो या बिहार के जो भी पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट लेती हैं वो चाहती हैं कि मुसलमान जो है वो हमारी पार्टी को अपना पार्टी समझे और विशेष तौर पर आरजेडी और इसीलिए ओवैसी तेजस्वी यादव को तगड़ा जवाब भी देते हैं जब भी मौका मिलता है तो मुसलमानों के सहारे तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हैं आगे सब कुछ आपको बताएंगे बाकी नमस्कार मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं सबसे पहले इस बात पर गौर कीजिए कि आरजेडी ने संसद भवन का उद्घाटन करती है तेजस्वी यादव की पार्टी कह देती है कि नया संसद भवन तो ताबूत है अब जब नया संसद भवन ताबूत है तब ओवैसी खड़े हो जाते हैं तेजस्वी के विरोध में और मुलायम सिंह यादव की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि एक बार मुलायम सिंह यादव अपने संसद भवन के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे अचानक ऊपर से छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया अब ओवैसी कहते हैं बताते हैं कि संसद भवन वो जर्जर हो चुका था वो संसद भवन अब रहने के लायक नहीं था और ओवैसी तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हैं जो ताबूत बताते हैं तेजस्वी की पार्टी नए संसद भवन को उसको लेकर बोलते हैं और कहते हैं कि ये बड़े अजीब किस्म के आदमी हैं लोग कभी सेकुलर बन जाते हैं कभी कुछ और बन जाते हैं कभी नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने दिनों तक तो सरकार चला चुके हैं उनके साथ मिलकर सरकार चलाने लगते हैं और उनके कहने का मतलब होता है कि नीतीश कुमार जो योगी आदित्यनाथ को माला पहनाते हैं सॉल पहनाते हैं उनको सम्मान देते हैं उस आदित्यनाथ के साथ देने वाला साथ रहने वाले आदमी के साथ मिलकर आज सरकार चला रहे हैं और ओवैसी का यह बोलना इसकी राजनीति समझिए कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव तमाम जगहों पर जा रहे हैं विपक्ष के दलों को एकजुट कर रहे हैं लेकिन ओवैसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है ओवैसी के किसी भी नेता से कोई बातचीत की संभावना भी नहीं दिख रही है और तेजस्वी यादव तथा तो नीतीश कुमार यह करेंगे भी नहीं और ओवैसी जानते हैं कि हम बिहार में मुसलमानों के बारे में बोलेंगे और उनको कहेंगे कि तेजस्वी यादव ने तुमको ठगा है उनको बताएंगे कि इनकी पार्टी कभी तुमको उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाती तब मुसलमान हमको वोट देगा और बिहार में इस वक्त पर यही राजनीति चल रही है और तेजस्वी यादव ओवैसी का नाम तक लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि अगर ओवैसी को सहारा मिला तो ओवैसी मुसलमानों का अपने आप बड़े नेता बिहार में भी बन जाएंगे उनकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी बन जाएगी और उसके बाद दिक्कत होगा तो राष्ट्रीय जनता दल को अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है राजनीति कैसे आगे बढ़ती है लेकिन आज तेजस्वी नए संसद भवन का विरोध करते हैं ताबूत बताते हैं तो ओवैसी वहां पर खड़े होकर एकदम खुलकर तेजस्वी यादव और इनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करते हैं फिलहाल बिहार में मुसलमानों को लेकर कि मुसलमान वोटर क्या सोच रहा है तेजस्वी यादव की पार्टी क्या वाकई में उनको सम्मान दे पा रही है वैसा सम्मान जिसका जिक्र ओवैसी बार बार करते हैं और कहते हैं कि वोट मुसलमानों का सबसे ज्यादा मिलता है लेकिन उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाते और उप मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए वो वैसे ही अभी कह चुके हैं कि मंत्री पद दिया जाता है तो छोटा मोटा विभाग जिससे कि मुसलमान आगे ना बढ़े आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आगे जो भी और जानकारी जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं कैमरे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह बहुत बहुत धन्यवाद